कहाँ गई बेला? कहीं नजर ही नहीं आ रही। सुनिए, मेरे साथ में मेरे लोग, मेरा परिवार आया था यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। आपने देखा है उन्हें कहीं? वो लोग तो राजनगर के लिए निकल गए। अच्छा, और मेरी पत्नी बेला? बेला भी साथ में थी उनके? वो भी साथ ही में गई क्या? नहीं नहीं, वो यहीं है, ऊपर अपने कमरे में है। थैंक यू। बेला, तुम यहां? सारी फैमिली तो गई ना राजनगर, तुम नहीं गई उनके साथ में? बेला, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? सब लोग गए राजनगर। चलो उठो, हमें भी चलना है, चलो घर चलते हैं। बेला, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अभी तक तो ठीक थे, अचानक इतनी कमजोर, इतनी बीमार, इतना तेज बुखार हो गया से। बेला, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर नहीं, प्लीज, बस थोड़ा सा बुखार है और कमजोरी है, ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर आया, उसने मुझे चेक किया, किसी टेस्ट के लिए मेरा खून लिया, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक परी हूँ। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। बेला, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रुको, मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ। नहीं प्लीज नहीं, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से, वो कड़वी दवाई। प्लीज नहीं। अच्छा, प्लीज नहीं। बेला, क्या पागल लड़की है, इतनी तबीयत खराब हो रही है और इसे डॉक्टर को नहीं दिखाना। ये तो अभी भी कांप रही है, इसे डॉक्टर नहीं चाहिए पर इतनी कांप रही है, क्या करूं? खेल लिया डांडिया? क्या बोली? मदर इंडिया, भड़ास निकल गई। हाँ, भड़ास तो मर गई, लेकिन मेरे दिल में उन परियों के लिए जो नफरत है वो अभी भी जिंदा है। क्या इरादे थे, खुद से क्या क्या वादे किए थे कि मैं नागलोक जीतूंगी, उस पर राज करूंगी, इसीलिए वो नीली नागिन मैं, उसे मैंने हाथ मिलाया था, क्योंकि मैं पाताली ताली, चुटकी भी नहीं बजी, क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आया हाथ में, वो शेष नागिन और उन परियों ने मिलकर हमें हरा दिया, मेरा सपना चूर चूर हो गया। अगर उस वक्त वो परी बीच में नहीं आती ना, तो ये पाताली वो जंग जीत जाती। लेकिन वो परी आई क्यों, क्या चाहती थी वो? क्या वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो राक्षसों से नफरत करती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि राक्षस उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं? क्या वो ये चाहती थी कि हमें कुछ भी हासिल ना हो? हाँ, यही तो चाहती है। ठेका लेके रखा है क्या सातों लोगों को बचाने का? एक बार वो परी मेरी मुट्ठी में आ जाए, निछोड़ दूंगी और बता दूंगी कि मैं हूं पाताली, कभी किसी से नहीं हारने वाली। वो परी, उसकी तलाश तो मुझे बरसों से है। ओह,
तो इसलिए आप वापस आई हैं। मुझे तो पहले ही पता था आपका वो फैमिली ड्रामा, वो मेलो ड्रामा सब दिखावा। क्या ड्रामा था वो? ये क्या था? आपको नहीं पता ये सलमान खान के एक फैमिली फिल्म का गाना है। ओ, तेरी ये बातें सुनकर मन करता है कि ये जमीन छोड़कर मैं चली जाऊं जहन्नुम में। यही तो मैं कह रही हूँ। धरती पे परिवार है, एक हद है, लेकिन आपके आने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। एक बात बताओ, आप किसी परी को ढूंढते ढूंढते तो यहाँ नहीं आ गई? हाँ, कोई खास परी? खलास परी। परिया राक्षसों की दुश्मन है, वो जो कोई भी हो हाथ में आ जाए ना तो मार दूंगी। खलास खत्म। शानव, ये हाय बेबी। मैं नहीं, हम कल रात हम और ये सब हो गया। वाह, क्या रात थी, कितनी खूबसूरत, क्या बात थी, तुम मेरे साथ थी। वाह, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हो गया, सब हो गया। ये देखो, ये सब तुमने ही तो किया। कुची कुची पुची पुची। अरे पगली, शर्मा गई, घबरा गई। तुम लड़कियां भी ना, फोटो पे ना, दिल में हाँ, तुम कितनी जेलस थी, मेरी दीवानी, मेरे पीछे पीछे मेरा प्यार मिल जाए, क्या नहीं किया तुमने मुझे पाने के लिए। मेरा पीछा किया, मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने सोचा क्यों छोड़ू, पकड़ लिया। और उसके बाद दो हाथ, दो लोग, सुहानी रात, और हम दो से एक हो गए। नहीं नहीं, टची टची कुची कुछ पुची पुची। आई मीन टू मच, फॉर मच, आई मीन वेरी मच। अरे अरे बेला बेला, पगली रोने लगी। ओहो, प्यार नहीं मिला तब भी रोना, आज प्यार मिल गया तब भी रोना। प्यार है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मतलब है? हाँ, नहीं नहीं है, मेरा मतलब है, है पर ऐसे नहीं, तो नहीं। As you wish। वो क्या है ना, मेरा भी एक स्टेटस है, मेरी भी एक इज्जत है, और इज्जत अपनी ऐसी थोड़ी ना लुटा दूंगा। हमारे बीच में कल रात कुछ नहीं हुआ, और ना ही आगे कोई भी गुची गुची पूछी पूछी होगा। फिर ये तुम्हारी होठों की लाली, और ये सब है फेक, मैंने बनाई है। ओह नो, तो रानव ने मेरे साथ मजाक किया, उल्लू बनाया, और मैं बन भी गई। लिसन बेला, ये सब फेक था, तुम्हारे प्यार की तरह, जैसे तुम्हारा प्यार है ना, दिखावा छलावा वैसे। मुझे पता है तुमने ये शादी भी एक मकसद से की है ना, तभी तुमने जब ये सब होते हुए देखा, तुम्हें लगा कहीं अरे कुछ हो तो नहीं गया। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। हाँ हुआ था,
तुम्हें बुखार, जो अब ठीक है। Now get up and get ready, हमें निकलना है। कुछ दिन ये कमजोरी रहेगी, जब तक मेरी शक्ति वापस नहीं आ जाती मुझे सतर्क रहना होगा। सतर्क? उन परियों से हमें सतर्क रहना होगा, दुश्मनों को मसलना है। पर मैं वापस आई हूँ रानव के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, उनकी ढाल बनकर। राक्षस हैं हम, राक्षस। सातों लोकों पर हमें फतेह करनी है, सबसे शक्तिशाली बनना है हमें। हमें नहीं, आपको। आपके हम में मैं नहीं। पहले भी आप और बाबा अपने बेटों के पीछे ही लट्टू थे, उन्हें सत्ता देनी थी, उन्हें अस्त्र शस्त्र देने थे, पहले मेरे भाइयों को और अब रानव। मुझे तो कभी कुछ दिया नहीं, ना अब देने से रहे। बंद कर, तेरी ये टन टन बंद कर। मेरी इस टन टन से ही मैंने सब कुछ हासिल किया है। आप लोगों ने कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने हासिल कर लिया है। और इस बार बेटी अपनी माँ से आगे निकल गई, मेरे हाथ एक परी लग गई है, और उस परी के साथ मैंने अपने बेटे आदि की शादी करवा दी। और वो परी है मल्लिका। बहुत छिपाती है कि वो इंसान है, पर मैं जानती हूँ कि वो एक परी है। तभी तो उसने रानव को मृत्युपाश से भी बचा लिया। सच्ची? क्या वो सच में एक परी है? तू जानती है? तो फिर वो परी अभी तक जिंदा क्यों है? मरी क्यों नहीं? खून पी लेते? अरे कम से कम चूहे जैसे जो तेरे बेटे हैं ना, राक्षस बेटे, वो आदमखोर राक्षस बन जाते। मेरे बेटों को आप कुछ मत कहिएगा, आपके बेटे जैसे बेवकूफ नहीं है। ए, फैशन मार्केट, मेरे बेटों पर तू बिल्कुल ही मत जाना। अरे मेरे बेटे तो शेर थे, शेर। और तेरे जो बेटे हैं वो है भीगी बिल्ली। अच्छा, इतना ही शेर थे तो एक एक करके मर कैसे गए? एक परी ने धोखा दिया। वो तो हमारे साथ भी हुआ है, परी का खून पिया पर कोई शक्ति नहीं मिली। अरे ओ ढक्कन, क्या सच में वो एक परी है? परी है। उसे जादू करते हुए तूने देखा? हाँ देखा, उसके छूते ही मुरझाए फूल खिल गए। हाँ, पर उसके बाद उसमें परी जैसा कोई जादू नहीं दिखाया, और हम पर कोई उसके खून का असर भी नहीं हुआ। पर मैं 99% श्योर हूँ कि वो एक परी है। 99% और 100% में बहुत फर्क होता है, वो एक नहीं होता। नखराली नार, अरे उस परी का इम्तिहान लेती एक बार नहीं, गौर गौर लेती, कम से कम पता तो चलता कि सच में वो परी है या नहीं। क्या हुआ? मुहूर्त का इंतजार कर रही थी? अरे छोड़, अब तुझसे कुछ नहीं होगा। अब जो भी करना है वो मैं करूंगी। पाताले बजाएगी उसकी ताली, और तेरा जो 99% है ना, उसे मैं 100% बनाऊंगी। उस परी को सामने लेकर आऊंगी और ये पता करूंगी कि क्या वो सिर्फ एक मीठी छुरी है या फिर सच में एक परी। अगर वो सच में परी है तो मुझे वो परी चाहिए। ये कंगन उसी परी का है जिसने अश्वत्थ को मारा है। किसका है ये? किसी भी तरह उस परी को मुझे ढूंढना ही होगा, और इस काम में अगर मेरी मदद कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक है, रानव। मेरे खानदान में जितने भी शक्तिशाली राक्षस थे, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह निकला है। उतनी ही शक्ति, उतनी ही धार, पहली कतार, चट्टान जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। वो असी अस्त्र,
वो असली अस्त्र हमें मिल गया था, लेकिन लेकिन कोई हमसे छीन कर ले गया। कहाँ है वो, किसके पास है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ वो परी मुझे दे सकती है। वो डामाडोल राक्षसनी यामिनी जिस परी की बात कर रही है, मल्लिका, ना 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 ना, वो तो कहीं से भी मुझे परी नजर नहीं आती है। क्या सच में वो परी है या फिर कोई और परी है? और अगर सच में मल्लिका परी है तो क्या वो धरती पर इंसान बनकर रह रही है? मेरे सारे सवालों का जवाब शायद शायद मल्लिका दे सकती है कि सालों पहले वो असली अस्त्र गायब कैसे हुआ, किसके पास है और उसके साथ क्या हुआ है। मीला, जाने तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम ठीक हो? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रानव ने मेरा बहुत ख्याल रखा। ओ मेरी प्यारी सी बच्ची, तू बीमार कैसे पड़ गई? आजा मैं तेरी नजर उतार लूं। कितनी कमजोर हो गई है तू। रानव, तू मेरी बहू का ख्याल रखेगा? हाँ रानव, अब तुम मेरे आसपास ही रहोगे। नमस्ते साहब। नमस्ते काका। काका, आपकी बेटी का एडमिशन होना था ना? आप फिक्र मत करिए, मैंने बात कर ली है प्रिंसिपल से। मैं स्कूल के टाइम से जानती हूँ उन्हें, उसका एडमिशन हो जाएगा। और हाँ, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है, पढ़ाई के लिए पैसे हम दे देते हैं। एक मिनट। ये लीजिए काका, आपके लिए। आपका दिल बहुत बड़ा है साहब। ये इंसानी लड़की मेरे पोते की पत्नी, ये तो मेरे राक्षस पोते को इंसान बनाती जा रही है। और इंसान कितने कमजोर होते हैं, अच्छाई सच्चाई के पुतले, एक फूंक में ये लड़की मेरे पोते को बर्बाद कर देगी, इसे भी इसके बाप अश्वथ की तरह कमजोर कर देगी। ये फैशन मार्केट, इन राक्षसों के बच्चों को कैसे पाल रखा है तूने? सारे के सारे राक्षस आशिक बन गए हैं, औरतों के पल्लू से बंधे हुए हैं। मैंने तो फिर भी अपनी फैमिली को बांध के रखा है। आप तो भाग गई थी। भगोरी कहेगी, निगोरी कहेगी। अगर उस वक्त तू भी भागती ना, तो ये कट्टर राक्षस बनते। एक तू सबसे कमजोर इंसान से शादी कर बैठी है, और अब ये बच्चे भी कमजोर इंसान बन गए हैं। मैं तो रानव को पिटारी का संपोला बनाना चाहती थी, पर ये तो एनाकोंडा बन गया। एक मिनट काका। जी। ये लीजिए, थोड़े से पैसे मेरी तरफ से भी। क्या है ना कि मेरा बैंक बैलेंस, मेरा दिल बहुत ही बड़ा है, रख लीजिए आप। नहीं बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुन, ये परियां बड़ी दरिया दिल होती है ना, और ये बुढ़िया बहुत चर्बी है रे, इसको असली घी का खाना खाती है क्या? जो भी है, वो मेरी सास है। इस बुढ़िया को दिन में दिखता है क्या? हाँ, पर दूर का नहीं दिखता है, खासकर रात के अंधेरे में। अच्छा, समझो काम हो गया। आज की रात खात, आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि पता चल ही जाएगा कि ये परी है
या फिर इंसानी डाली ए पैताली तिताली। ऐसा क्या करने वाली है आप? हाँ आप मेरी सास को बलि का बकरा क्यों बना रही? अरे वो चालाक लोमड़ी, ज्यादा चटर पटर की ना तेरे को ही दाग दूंगी इसके अंदर। तुझे पता है ना परियों का परम धर्म है मासूमों को बचाना। एक तो तेरी सास बुढ़ी, ऊपर से दादी, और अगर तेरी वो छम्मक छल्लू मल्लिका सच में परी है ना तो वो आएगी, पक्का आएगी तेरी सास को बचाने। ए यमुना, ए यमुना, यामिनी, अरे यामिनी हो, दामिनी हो, गजगामिनी हो, जो भी हो, देख हमें किसी को तो बलि का बकरा बनाना है। अगर तुझे अपनी सास से इतना प्यार है तो तू बन जाना बलि का बकरा। अच्छा एक बात बता, अपनी सास की तुझे इतनी क्यों पड़ी है? अरे मुझे क्या पड़ी है, मजबूरी है। सुहागरात पे शेखर से वादा किया था। क्या कर, क्या कर, बस बस बस। आज मैं नहीं रुक सकती, क्या हुआ? रुको, मैं तुम्हें सबको दे दूंगा। तुम मुझे एक चीज प्रॉमिस करो। क्या है? तुम मेरी माँ को कभी कुछ नहीं करोगी? अरे हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी। ये भंटाधार ऐसे फंसाया था उसने मुझे, अब मैं फंसाऊंगी। अरे बुरी आ गई, उसको बाद में देख, कूदी मार लाइट बंद कर। हाँ चल 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 भागते, चल 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 चल। क्या सोच के आई थी मैं इस घर में, क्या सब हो रहा है मेरे साथ। बर्बादी यही रोक। आदि तेरे पोते, आज तूने मुझे बचा लिया, लेकिन लेकिन ये पानी कहाँ से आया यहाँ पे? और ये वायर, तू रुक, मैं डॉक्टर लेके आती हूँ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। नहीं नहीं आदि, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बेबी आई आई, एक काम करते हैं, वहां से निकलते हैं, यहाँ से नहीं, चल चल चल। तुझे नीचे वायर नहीं दिखा? शुगर है, राक्षस है, वरना आज तो मर जाता। अरे काहे का राक्षस, आधा राक्षस आधा इंसान। राक्षस बना दिया। ओए चटक चांदनी, इस बार तो तेरी सास बच गई, लेकिन अगली बार मैं ऐसा वार करूंगी कि तेरी सास को बचाने के लिए उसे सामने आना ही पड़ेगा, उस परी को। अरे समधन जी, इतनी रात को आप रसोई में क्या कर रही हैं? वो क्या है ना समधन जी, मैं हजारों साल बाद, मेरा मतलब है मेरा जो पोता है ना वो हजारों में एक है रानव, बस उसके लिए मैं खीर बना रही थी। अरे हाँ, रानव को खीर बहुत अच्छी लगती है। पता है मुझे, वो क्या है ना समधन जी, अपने बेटों को और पोतों को बड़े होते हुए मैंने नहीं देखा, इसलिए बस एक ही अरमान है कि जो बची कुची जिंदगी है ना मैं अपने पोतों के साथ बिताऊं, उनके लिए कुछ करूं। पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ चीजें कहाँ रखी हैं। अरे तो मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। हाँ जी,
मल्लिका वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना किचन में हमारी मदद करो। अब किचन और मैं? थैंक यू सो मच। नहीं नहीं क्यों, तुम क्या कोई परी हो? अब किचन में आकर दो बादाम छिल दोगी तो तुम्हारी चमड़ी छिल जाएगी क्या? वैसे तो तुम हमारी परी ही हो। पापा की परी, आ जाओ परी, किचन में आओ और बादाम छिल दो परी, आओ। तू ये छिल ले, मैं वो काट देती हूँ। मैं कर रही हूँ। ये तो हो ही गया है। मैं, अरे फोन, मेरा फोन, मैं अभी आती हूँ। जरूर जरूर। इंसान कहाँ जा रहा है? मल्लिका, तुम जाओ यहाँ से। अरे तू आग में कूदेगा तो जल जाएगा। मुझे अपनी माँ को बचाना है, छोड़िए मुझे प्लीज। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, इंसान खड़े रह इधर। अरे खड़े रह, तू नहीं जा सकता, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। आप ठीक है? दादी दादी आप ठीक है? इधर आइए। इधर आइए, छोड़िए, यहाँ आइए, बैठिए। दादी दादी आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं आपको? संभालिए इनको। बेला बेला उठो, बेला 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 ए निगोड़ी उठ, वो लोग चले गए। नौटंकी जल्दी उठ। मम्मी जी। बेला बेला मल्लिका सब ठीक है ना? मम्मी जी पानी पी लीजिए, हजारों साल जियो। डॉक्टर को बुलाओ, इसे डॉक्टर को बुलाओ।
नहीं बेटा, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो बस आग की लपटें थी तो सदमा सा लग गया था। बस आज मेरी बहू बेला नहीं होती तो उसने मुझे बचाया नहीं होता तो शायद मैं टपक जाती। ये लड़की बेला बीच में आई और मेरा सारा खेल चौपट कर दिया। बेला आके खोलो, बेला। तुम ठीक हो? दादी, दादी कहाँ? दादी ठीक है, तुम ठीक हो? पानी पिला दे। मम्मी जी, आपको पता है वो मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, मैंने वहाँ पे पानी भी डाला लेकिन मैं आग नहीं बुझा पाई। एक लपट तो मेरे ऊपर ऐसे आई कि मैं तो बेहोशी हो गई थी। नौटंकी, तुम एक काम करो, ऊपर चल के रेस्ट करो, तुम्हें बेटर फील होगा। आओ उठो। ये तो ट्रायल था, पिक्चर अभी बाकी है मेरी परी। देखो यामिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ ने जो कांड किया है उसमें तुम उनके साथ शामिल थी। क्या बिगाड़ा है मेरी माँ ने तुम्हारा? क्यों माना चाहते हो तुम उसे? मेरी बात सुनोगे? नहीं। जब तुमने मुझसे शादी की थी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी माँ को हाथ भी नहीं लगाओगी। क्यों मारने की कोशिश की तुमने उसे? लोग सही कहते हैं कि राक्षसों के सीने में दिल नहीं होता, वो लोग प्यार करना जानता ही नहीं है। अगर दिल नहीं होता ना तो इतने साल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, मैंने तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश नहीं की। अरे मैं तो खुद वहाँ बेहोश पड़ी थी। ठीक है, मान लिया कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश नहीं की, फिर भी तुमने अपनी माँ को रोका क्यों नहीं? अरे वैसे भी तुम्हारी माँ नहीं मरती, हम तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मल्लिका परी है कि नहीं। मेरी माँ को 100% नहीं 1000% गारंटी थी कि अगर मल्लिका परी हुई तो वो तुम्हारी माँ को जरूर बचा लेगी। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुमने मेरी माँ को सूली पे चढ़ा दिया। और अगर अब तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगी, खा जाऊंगी। Come on, darling. तुम मुझे नहीं खा सकती, वरना तुमसे सच्चा प्यार कौन करेगा? एक मैं ही तो हूँ तो तुमसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन तुम्हारी ये जो माँ है ना, ओ इंसान, इधर उधर क्या देख रहा है? इस कमरे में तेरे सिवा कोई इंसान है क्या? नहीं ना, आ इधर। Excuse me. By the way, मेरा नाम शेखर है। Excuse me. तुम शेखर हो, शिखर हो, श्रीधर हो, खार हो, डांडा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक इंसान हो और कुछ सालों बाद तुम जाओगे वहां। इसीलिए तेरा नाम मैं याद क्यों रखूं? क्या जरूरत है? Excuse me, मदर इंडिया, आप चाहे या ना चाहे शेखर मेरे पति है और आप मेरे पति से इस तरह बात नहीं कर सकती। एक्चुअली वो ये कहना चाहती है कि जितना ये आपसे प्यार करती है मैं भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बस इतना ही कहना चाहती है। ओए प्रेम के पुजारी, तेरा ये जो गणित है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। मेरी बहुत प्यार करती है। चुप कर पगलेट, मैं भी नहीं चाहती कि ये मुझसे प्यार करे, क्योंकि प्यार करने वाला इंसान अंदर से खत्म हो जाता है। अरे हाँ, तू तो एक इंसान है, जाहिर सी बात है इसे शादी करने के बाद तेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म हो गया होगा, है ना? हाँ वो तो है। डार्लिंग, जब से हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई है, एक महान प्रेम कहानी शुरू हुई है, एक इंसान की और एक राक्षस की। अरे आग लगे तेरे इस प्रेम कहानी को, प्यार करने वाले बेवकूफ होते हैं, जो प्यार करता है वो एक दिन मर जाता है। मुझे नहीं मरना। मुझे बिल्कुल नहीं मरना, मुझे तो आपके ग्रेट परिवार के साथ रहना है।
लिया, कितना पानी पियूं? और पियो। Go on. अच्छा फील करोगे। पति देव, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा फील करोगी? अब बाहर से किसी ने सुन लिया तो सोचेंगे कि सुबह सुबह शुरू हो गए। What? प्यार की बातें करना? तुम्हें क्या लगा? Oh my God, कैसी सोच है तुम्हारी? वैसे अगर ऐसी ही सोच है तो जब देखो मजाक सुस्त रहता है। बात सीरियस है बेला, उठो। मैं वक्त पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारे साथ में। तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम्हारी जान भी जा सकती। तुमने दादी को बचाया लेकिन बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पे लगा दी। तो वो मेरी भी तो दादी है ना, अगर कभी भी उन्हें कुछ भी होगा तो मैं उनकी जान बचाऊंगी। पतिदेव, अगर कभी तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी भी जान बचाऊंगी। बचाई थी ना तुम्हारी जिंदगी मैंने। क्या कहा तुमने? I mean, कैसे रूखी सूखी सड़ी पड़ी ऐसी जिंदगी जी रहे थे तुम? What? हाँ, तुम्हारे इस राक्षस वाले दिल में प्यार जगा के तुम्हारी जिंदगी बचाई ना मैंने। ओह प्लीज, मेरा दिल जैसा है ना बहुत अच्छा है, और मैं ये तुम्हारे प्यार में ना कभी नहीं गिरने वाला। दादी के चक्कर में तुमसे प्यार से थोड़ी सी बात क्या करी, तुम तो गले ही पड़ गई हो। सुनो पति देव, पति नहीं हूँ मैं तुम्हारा। तो फिर क्या हो तुम? राक्षस। राक्षस वाला दिल है ना सीने में मेरे। हाँ, तो सीने में जो ये दिल है इसी को तो पिघलाना है, थोड़ा सा प्यार सिखाना है। थोड़ा सा तो हो गया है, थोड़ा और हो जाएगा। What? हाँ, तुम खुद ही देख लो, जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम कितने बदल गए हो, कितने अच्छे हो गए हो, है ना? मतलब ये तुम कैसे मतलबी से थे, अजीब से थे, खड़ूस सा चेहरा था, पत्थर जैसा चेहरा था, कैसे दिखते थे, और अब देखो क्या से क्या हो गए हो। थोड़ी थोड़ी स्माइल आने लग गई है, एक्सप्रेशंस बदलने लग गए, और एक्सप्रेशंस थोड़े शाहरुख वाले भी आ गए हैं, है ना? कोई शाहरुख वाले एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, और तुम ये स्टूपिड मूवीयां देखना बंद करो, समझी? आइडिया, तुम्हें ना मूवीज करनी चाहिए। वाह, यस। तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है? तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो ना तो ऐसे दो दो डिंपल्स भी बढ़ते हैं। बस ये बोरिंग से कपड़े पहनना बंद कर दो, कुछ अच्छे से कलर्स पहनो, ब्राइट कलर्स पहनो, अच्छे पहनो, रंग बिरंगे रंग आएंगे जिंदगी में। प्लीज जस्ट स्टॉप इट। तुम्हारे लिए थोड़ा सा थैंकफुल क्या हुआ, तुम तो बात कहां के कहां लेके जा रही हो। तुम सारी लड़कियां एक जैसी होती हो ना, पहले एक लड़के को पसंद करती हो, फिर उसके पास में जाती हो, फिर हजार कमियां निकाल के उसे अपने रंग में रंग देना चाहती हो, मतलब उसे कंप्लीटली बदल देना चाहती हो। क्यों भाई, किस लिए? हाँ, और ये बाकी लड़के होते होंगे, मैं वैसा नहीं हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, ऐसे ही लुक्स होंगे, यही कपड़े पहनूंगा। एंड माइंड यू, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी। सड़ा हुआ कद्दू। ये याई ना स्माइल, और ये दो दो डिंपल्स भी। बेकाब।